गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.73। सो यहाँ पे रेडियस आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री और माइनर और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, एंड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, आपको इसमें वैल्यूज पुट अप करके माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग ऑफ एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ रेडियस 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। सो इस एंगल स्क्वायर है जिसका शेप आपको स्क्वायर शेप का है और इसमें जो इसकी साइड है 15 मीटर की है। एक 5 मीटर की रोप से हमने हॉर्स को बांधा है। अगर 5 मीटर की रोप से हॉर्स को बांधा है तो वो 5 मीटर यानी इतने एरिया की घास ही खा सकता है, इस पोर्शन की एरिया की वो क्या कर सकता है, ग्रास खा सकता है। सो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। फर्स्ट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। सो कितने एरिया की घास खाएगा, तो ये एरिया बनेगा क्योंकि रोप जो है वो इससे लंबा होगी नहीं, तो इतनी लंबी रोप में वो क्या बनाएगी, एक 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सो हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा तो स्क्वायर है, स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90, रेडियस इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड में बोला है द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब 10 मीटर की जगह रोप को 5 मीटर की रोप की जगह अब कितने मीटर की रोप है, 10 मीटर की, और 10 मीटर की रोप से हमें क्या निकालना है, एरिया। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, तो ये आप अगर देखते हैं तो 10 मीटर मतलब 5 इतना है तो 10 आगे हो गया और उसके अकॉर्डिंग वो इतना एरिया कवर करेगा। सो इतने एरिया की जितनी घास होती है तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर के एरिया की एरिया निकालेंगे, फिर 10 और 5 के बीच में जितना डिफरेंस है वो निकालेंगे। सो रेडियस R1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्स्ट एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग को फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में रेडियस R2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर, रेडियस बढ़ गई 10 मीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो सेकेंड एरिया यानी एरिया ऑफ ग्रास बाय हॉर्स, तो थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। R1 R2 इसलिए क्योंकि हमें उसका डिफरेंस भी निकालना है। तो इंक्रीज्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड, एरिया ऑफ सेकेंड माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट, जो सेकेंड का एरिया आएगा उसमें से फर्स्ट के एरिया को क्या करेंगे, माइनस। सो डिफरेंस आपको मिल जाएगा यानी कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अप्रॉच इज मेड अप विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 335 mm। तो ये ब्रॉच आपको दिख रहा है, इसमें टोटल सर्कल्स हैं और एक ये जो डायमीटर है यहाँ से आता है वो 35 mm की है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायमीटर विद द विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। सो ये जो 5 और डायमीटर्स हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल 5 डायमीटर्स हैं। सो इन 5 डायमीटर्स किससे बनी है, वायर से, और जो बाउंड्री है वो भी काय से बनी हुई है, वायर से। टोटल लेंथ ऑफ द वायर विल रिक्वायर्ड, अब इसमें टोटल वायर कितना लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। सो ब्रॉच इज मेड अप विद द सिल्वर वायर, यानी ये जो सर्कल है वो भी सिल्वर वायर का है, तो ये सिल्वर सर्कल के लिए हम क्या बनाएंगे, निकालेंगे सर्कमफ्रेंस, और डायमीटर्स कितनी है 5, तो 5 × 35, ठीक है, इससे टोटल लेंथ आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में आपको निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, यानी इसका एरिया। तो टोटल कितने सर्कल्स बन रहे हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 360 डिवाइडेड बाय 10, सो हमको एक सेक्टर, एक ब्रॉच का एरिया मिलेगा, एक सेक्टर का एरिया। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 35 mm, रेडियस इज इक्वल्स टू 35/2 mm, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है तो 2πr, यानी द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू मेक अ पैरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो एक पैरीमीटर के लिए तो 2πr, यानी
द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक अ पैरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 × 22/7 × 35/2. सो 7 × 1 = 7 एंड 7 × 5 = 35 एंड 2 से 2 कैंसल. तो 22 × 5 110 mm. फिर लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर टू मेक 5 डायमीटर्स. 1 डायमीटर 35 की है तो 5 डायमीटर्स में भी वायर यूज़ हो रहा है. तो 5 × डायमीटर यानी 5 × 35 यानी 175 mm. यानी टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ क्योंकि सर्कल में भी यूज़ हो रहा है और डायमीटर्स में भी यूज़ हो रहा है, तो 175 + 110 यानी 285 mm. यानी टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर है 285 mm. क्लियर. अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना था, एरिया. सो रेडियस इज इक्वल टू 35/2 mm. अब सेक्टर एंगल ऑफ ईच ब्रॉच, ब्रॉच के अंदर जो ईच सेक्टर है उसका है थीटा कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू 360/10 क्योंकि टोटल कितने हैं, 10 सर्कल्स हैं, 10 सेक्टर्स हैं. 360/10 यानी 36, ये 0 से 0 कट गया तो 36 डिग्री. सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 πr² यानी 36 × 360 × 22/7 × 35/2 × 35/2. सो 7 × 1 = 7, 5 × 36 × 1 = 36, 10 × 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 2, 11 ×. सो ये बच गया आपका 11 × 35 यानी 385 और 2 × 2 = 4 यानी 385/4 mm² यानी एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच इज 96.25 mm. क्लियर. Thus, the area of each sector of the broach is 96.25 mm², yani millimeter square. Question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assume umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the 2 consecutive ribs of the अम्ब्रेला. तो इनके बीच में, ये दोनों ट्राइंगल का शेप है एक, तो इसके बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है. यानी क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर. अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, थीटा हमको दे नहीं रखा है लेकिन हमको बोला है कि वो 8 ट्राइंगल से बना हुआ है. सो टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360. तो 360 / 8, इससे हमको थीटा मिल जाएगा. सो रेडियस इज इक्वल्स टू 45 cm. एंगल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स यानी 360 / 8 यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 4 = 32, 4 × 8 = 5 = 40. तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 πr². इसलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है. क्लियर. वैल्यूज पुटअप करिए और वैल्यू आंसर निकालिए. Question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of a length 25 cm swiping through the angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. So, हमको बताना है कि एक वाइपर जो है वो कितने एरिया का डिस्टेंस, कितना एरिया क्लीन करता है. तो ये जैसे सपोज करिए वाइपर है तो वो 115 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो इतना एरिया ही कवर करेगा. सेकेंड वाला भी इतना ही एरिया कवर करेगा. टोटल हमको एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया रेडियस दे रखी है 25 cm, थीटा दे रखा है 115. सो एरिया कवर्ड बाय बोथ द ब्लेड, दोनों ब्लेड एरिया कवर्ड बाय बोथ प्लेट यानी 2 × थीटा / 360 πr². तो आपको थीटा की वैल्यू रखनी, 360 दो वाइपर्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. अ वॉर्म शिप ऑफ द अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्स लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट द डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्म्ड. तो आपको थीटा दे रखा है 80 डिग्री और डिस्टेंस दे रखी है 16.5 यानी रेडियस दे रखी है 16.5. आपको वैल्यू पुट अप करनी है, एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 πr² से आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 13. अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs एज शोन. ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये डिज़ाइंस है ठीक है जो ब्लैक कलर से बने हुए हैं.
इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, इसकी कवर की जो रेडियस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, रूट थ्री की वैल्यू 1.7 फुट करनी है। अब हमें अगर निकालना है तो सेंटर से ये देखें तो ये ट्राइंगल का शेप बन रहा है, और हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, एंगल मेक बाय ईच ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया नहीं दिया है लेकिन टोटल कितने डिवाइड हो रहे हैं 6 पार्ट्स में, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी 60 डिग्री का है एक पार्ट। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट, अब एक डिज़ाइन का सेगमेंट यानी एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। सो 60 थीटा की वैल्यू क्या थी 60 अपॉन 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 28 स्क्वायर इंटू साइन 60 अपॉन 2 इंटू कॉस 60 अपॉन 2, तो ये हो गया कॉस 2 30 टाइम्स कट गया। और यहाँ पे 0 से 0 6 वन ज़ा 6 6 ज़ा 7 वन ज़ा 7 4 ज़ा, सो 1 अपॉन 6 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 और ये हो गया 28 स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। सो 11 ये भी कट कर दीजिए, सो 2 3 ज़ा और 2 11 ज़ा, तो 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 28 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया 44 इंटू 28 अपॉन 3 और ये हो गया, कैंसिल कर दीजिए, एक तो कैंसिल हो जाएगा और फिर डिवाइड कर देंगे, सो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.2 आ रहा है। 7 से ये कट कर दीजिए, 7 4 वन ज़ा 4 7 ज़ा 28, इनका सबका मल्टीप्लाई रूट 3 की वैल्यू 1.7 पुट कर दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 1232 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 33.2। एलसीएम लेंगे तो 33.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999.6, तो 1232 यानी 1232 माइनस 999.6 डिवाइडेड बाय 3। ये है एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, 232.4 डिवाइडेड बाय 3 यानी 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक एरिया का डिज़ाइन है, ऐसे कितने डिज़ाइन है 6, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू 6 इंटू 77.4 यानी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ 0.35। फिर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन इन 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 464.8 इंटू 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.68 यानी दस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टेबल कवर इज रुपीज़ 162.68। क्लियर, सो 12.2 कंप्लीट।